हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मछलियों के साथ आपका स्वागत मैं इसलिए कर रही हूँ, इससे पहले जब मैंने बोला था कि ऐसा ऐसा कांड किया है मछलियों ने, तो बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि इस बार जब आप चिकन डालो ना तो ज़रूर दिखाना, तो उसीलिए मैं दिखा रही हूँ। एंड ये देख रहे हो आप, वो बड़ी वाली पिराना के मुँह में अभी वो चिकन पीस है एंड अभी झगड़ा चल रहा है कुछ। तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे ही डाला था तब मुझे याद नहीं रहा, बाद में मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया कि अरे वीडियो निकालना था ना इसका करके, तब मैं बीच में लेके आई। जैसे ही डालते तब तो ये कुद्दी मारते हैं ना ये सारे के सारे, पूछो मत। एंड अभी भी एक के मुंह से दूसरा जो है छीन रहे हैं, अभी देखना दूसरा पिराना भी आएगा, फिर पैरट भी आ रही थी, और वो पैरट जो छोटी मछली है वो नीचे जाके जो रॉक्स है उसके नीचे छुपा दे रही थी। तो नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग से मैं दिखाऊंगी, तब आपको पता लगेगा कि कैसे कूद रहे थे ये। और बहुत देर हम लोगों ने इसको देखा एंड छीन छीन के जो है बाकी उड़ा के लेके जा रही थी, तो वो देखने में बड़ा थ्रिलिंग सा लगता है। नेक्स्ट टाइम पक्का दिखाऊंगी। एंड अभी हम जाने वाले हैं आदित्य को क्रिकेट के वहाँ से पिक करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। हाय एवरीवन, सो हमारे नहीं, मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे, जो मैं आपको हमेशा एक एक्वेरियम शॉप दिखाती रहती हूँ जहाँ पे बहुत बड़ी वाली फिश थी, वहाँ पे गए क्योंकि इनके एक फ्रेंड को एक डॉग भी चाहिए था। तो मैंने पिछली बार आपको हस्की दिखाया था ना, डॉबरमैन चाहिए था उनके फ्रेंड को, तो हम लोग दूसरे काम से आए थे तो उनके फ्रेंड भी यहीं थे करके चलो डॉग को भी एक बार देख लेंगे बोल के ये उतर के गए। एक्चुअली मैं भी जाने वाली थी लेकिन मुझे एक फोन कॉल आया तो मैं कार में बैठी रही, मैं बच्चे इन्होंने बोला चलो मैं जाके आ जाता हूँ करके ये गए। अच्छा एंट्रा अनैया, बुट्टा बम्मा बुट्टा बम्मा, डर 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 डर, ये अभिषेक बार बार बोल रहा है कि उसको डायनासोर चाहिए, बड़ा सा डायनासोर चाहिए। अभी हमको रियल डायनासोर ले रहा लोकम लो इनका। सो हम इतने सोच रहे थे नू डायनासोर इनका डायनासोर है तुम्हारी कौन होता कदा नू डायनासोर डायनासोर मर गया तो कुछ तो लोगों ने मार दिए। अरे 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 फोन ही कदल पोतुंदी मम्मा, डोंट चेक द फोन मम्मा, नीन डोंट 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 सर डायनासोरस है नू डायनासोरस कर रहा है डायनासोरस। अच्छा अभिषेक, हाउ डज डायनासोर डू ఎలాగా డైనోసార్ ఎలా చేస్తుంది? ఫోన్ తోడదే డైనోసార్, సో యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ద డైనోసార్స్ కో క్యూ మార్ దియా, క్యూంకి డైనోసార్ నా ఇన్సాన్ కో ఖా లేతే థే, డైనోసార్ గులుటది డైనోసార్ గులుటది అంటది डायनासोर कहाँ मिलता है तो ये बोले डायनासोर एग में से आता है, कौन से एग में से आएगा पता नहीं। ये देखो कितने, ये देखो हिला डायनासोर, ओह वेरी गुड यू ड्राइव, मैंने ड्राइविंग में लगा हुआ है अभी। सो बार बार मेरे मुंह में ओके एक डायनासोर बार बार मेरे मुंह में वही गाना आ रहा है तेलुगु का, बट बहुत टिकटॉक में बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है वो बुट्टा बम्मा, उसके बाद जो है वो ऐसे ऐसे करते ना कुछ डांस। मैं सोच रही थी कि टिकटॉक बनाते, मैं कितनी बार सोचती हूँ टिकटॉक बनाऊ बनाऊ बनाऊ, कभी बनाती थी एक साथ 10 वीडियो बना देती हूँ और उसके बाद बनाती ही नहीं हूँ, हो नहीं पाता है कभी, तो लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा शायद मगअप करने में, वो सेंटेंस याद नहीं रहेगा लगता है। टिकटॉक इज नॉट अ इजी जॉब, सारे सेंटेंस याद करने पड़ते हैं, रट्टा मारना पड़ता है, तो बार बार मुंह में वही गाना चल रहा है क्योंकि कुछ जो है ट्रेंडिंग में चल जाते हैं ना, तो वो भी उसमें ट्रेंडिंग में गया हुआ है एंड बार बार वही आ रहा है मेरे मुंह में। मेरे फोन की चार्जिंग भी खत्म हो रही है, मैं सोची थी चलो जब तक ये नहीं आते ना टिकटॉक बनाते हैं, वो भी नहीं होगा, चलो फिर से बाय 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 फ्रेंड्स।
फोन को हिला हिला के रख दिया। आदित्य को पिक करने के बाद हम कहाँ पहुँच गए वो तो आपने देख ही लिया। एंड ये रिप जीन्स का फैशन मुझे समझ नहीं आ रहा, ऑल दो फॉलो तो कर ही रहे हैं सब लोग। जो मेरी सासू माँ है मम्मी लोग हैं बोलते कि फट गया है जीन्स, फट गया बोलते बट फिर भी। एंड एक बार ऋषि कपूर जी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें भिखारी का ड्रेस एंड ज़ारा का ड्रेस जो 2 लाख का था सेम टू सेम था। एंड देखिए हम लोग घर जाने वाले थे, फिर हमने यू टर्न लेके जो है हम मिनर्वा ग्रैंड में आ गए। काफ़ी टाइम हो गया इधर पे नहीं खाया था। लास्ट मेरे बर्थडे पे जो हम लोग ट्यूबा में गए थे वहाँ पे फूड अच्छा नहीं था, फिर मन कर गया तो हम लोग आ गए यहाँ मिनर्वा में। सो जो हमारा मेन्यू है वो तो सेम ही है और हम लोग अभी जो है सफा चट करने वाले हैं। तो ये गार्लिक नान जो है एक ऑर्डर किया था, आदित्य को तो फ्राइड राइस ही पसंद है, मिक्स फ्राइड राइस नॉन वेज वाला। सो हम लोग पहले एक बटर नान ऑर्डर करते हैं ये और मैं। एंड अभिषेक ने बोला था वो खाएगा, उसने प्लेट में तो डलवाया था लेकिन खाया नहीं था। एंड दिस इज़ द मिक्सड नॉन वेज फ्राइड राइस। सो सब चीज़ का टेस्ट बहुत यमी था, इसलिए मेरे हस्बैंड जो है मिनर्वा के बहुत ज़्यादा फ़ैन है। कहीं अगर कुछ ओकेशन आता है बोलते हैं मिनर्वा मिनर्वा मिनर्वा, और ज़्यादा बार खाने के बाद मुझे यहाँ पे लगता है टेस्ट की कहीं और चलते हैं करके, तो नया ट्राई करते हैं तो कभी कभी ठप हो जाता है आइडिया। एंड यहाँ पे मैं भी खा रही थी एंड अभिषेक को भी खिला ही रही थी। सो मैं बात कर रही थी इनसे, उसके मुंह में ख़त्म हो गया तो वो बोल रहा था खिलाओ कर। एंड हमारा डिनर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। एंड पहले बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि पहले खाना आने से पहले टेबल में कुछ भी नहीं था एंड उसके बाद इतने सारे टिश्यू पेपर्स एंड खाली बर्तन। अभिषेक अभी भी थोड़ा लास्ट कगार पे है, ख़त्म कर रहा है, और उसको भी फिंगर बॉल इतना, मतलब इतना आदत हो गया है उस चीज़ का। तो जैसे ही फिंगर बॉल वो हमारे लिए लेके आए तो उसने जो थोड़ा बहुत बचा था उसने बोला था, मैं वो बोल रहा था कि मैंने नहीं खाना है करके। सो यहाँ पे अभी हम खा चुके हैं एंड ओवरऑल फूड वाज वेरी गुड। तो यहाँ पे विजयवाड़ा में डीवी मैनर में खाना अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट अच्छा रहता है हमेशा, चाहे कितने भी कुक बदल जाए वहाँ की क्वालिटी चेंज नहीं होती है, मिनर्वा की भी अच्छी रहती है। बाकी हमने नोवोटेल ट्राई किया है एंड बाकी बहुत यहाँ पे जो भी है सारे ट्राई कर ही चुके लेकिन इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगे। एंड अभी घर को चलते अपन। एंड यहाँ पे मिनर्वा में थोड़े बहुत रेनोवेशंस किए हैं, पहले 2 एंट्रेंस होते थे अभी 1 ही एंट्रेंस है एंड थोड़ा सा चेंजेस किया है एंड चेंज इज़ ऑलवेज गुड। तो 1 एंट्रेंस को बंद करके 1 ही ओपन रखा है, तो और इंटीरियर ये जो डेकोरेशन के आइटम्स हैं वो भी नए नए लगाए। तो इतना बड़ा पॉट था, सेरामिक पॉट है, बहुत चमक रहा था एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें ये नेचुरल प्लांट है कि प्लास्टिक है पता नहीं, मुझे तो नेचुरली लग रहा था, मैंने छू के नहीं देखा, बाद में मुझे डाउट आया। एंड आपको थोड़े जो भी चेंजेस है इस साइड से हमने कभी ज़्यादा दिखाया नहीं शायद, मैंने मेरे को ऐसा लग रहा है, चलो दिखा देते आपको। ये तो सेम ही है और अभी मेरे हस्बैंड जो है वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो कभी कभी मैं उनको थमा देती हूँ, भैया हमेशा मैं ही आप लोग का वीडियो निकालती रहूँगी तो मेरा कौन निकालेगा करके। चलो आप अभी इन्जॉय करो और उसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं।
आने के बाद चेंज वेंज करने के बाद आदित्य अभिषेक, तो बच्चों का क्या है कि चाहे रात हो रही है दिन हो रही है उनको ये नहीं है भैया अभी टाइम हो रहा है आके सो जाते हैं, ऐसा नहीं चलता है वो। हाँ, फिर कुछ ना कुछ गेम्स खेलते ही रहते हैं। एंड पहले का यहाँ पे जो है प्लेट्स पड़ी हुई है, जाते टाइम जो है छोड़ के गए थे यहाँ पे, और क्रिकेट भी चल ही रहा था। सो यहाँ पे आदित्य जो है वो जो मैंने आपको दिखाया था ना उसको गिफ्ट में आया था, उससे उसने ये एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी है काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट बनाया है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे वाह कितना अच्छा बनाया है इसने, इंस्ट्रक्शंस को देख देख के कौन सा स्क्रू कहाँ फिट करना है वो सारी चीज़ें देख के बनाई थी, तो इट वाज गुड। एंड नाउ दिस इज़ नेक्स्ट आफ्टरनून, यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी लंच के लिए बैठ रहे हैं, तो लंच में क्या क्या बनाया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ शॉर्टली। फ़िलहाल तो प्लेट्स में डाल रही हूँ, एंड ये बना है साग एंड दाल। सो दाल ये एमरैंथस में बोलती हूँ ना, एमरैंथस में टमाटर डाल के बनाने से बहुत टेस्टी बनती है, वो बनाया है। एंड उसके अलावा दाल, टमाटो दाल, नॉट एग्जैक्टली टमाटर, नॉर्मल एक टमाटर तो हर एक दाल में जाता ही है, नॉर्मल सादी दाल ही बनाई है। उसके अलावा दही चावल एंड ऑल, बस दैट्स द मेन्यू फॉर लंच। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे हस्बैंड शेयर कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ों पे हंसी भी आ गई। एंड इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आप साथ में मिलके खाते हो तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करने को मिलती है, प्लस प्यार भी बढ़ता है। एंड नाउ इट्स इवनिंग और मैं एक हेयर स्टाइल बनाने के लिए ट्राई कर रही हूँ, और आप मेरी मेहनत देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ इसको बनाने के लिए। हेयर स्टाइल कभी तो अच्छी तरह बन जाता है, कभी तो एकदम टुच हो जाता है। तो पहले मैंने ट्राई किया था तब तो अच्छा बना, अभी कुछ का कुछ हो चुका है ये। तो ऐसे देखा जाए तो फिर भी थोड़ा नीट लग रहा है, लेकिन ऐसे तो पूरा खचर पुचर हो गया। मैंने यहाँ पे खाली एक पिन लगा दिया, मैं बोला चलो चलेगा, जब अच्छी तरह आएगा करके वीडियो निकालते हैं तब नहीं आता है, जब बिना वीडियो के मैंने बनाई है तब तो अच्छा खासा निकल गया है। एंड थोड़ा सा बस नहाने के बाद सीधा खाना खा लिया था, थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए। एंड फिर मैं एडिटिंग करने लगी, फिर मैंने बोला चलो अब थोड़ा सा थोपड़ा पे कुछ लगा लेते, क्योंकि कुछ भी नहीं लगाया था। सो अभी चाय बनानी है, एंड क्या बोलते हैं जो मूंगफली होती है ना, जो उसके अंदर आती है मूंगफली जिसमें बनती है, वो वाला किसी ने ला के दिया था बहुत दिन पहले, मतलब उसको भून के लेके आए थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक खाया नहीं इसलिए उसके अंदर का ना नरम हो गया है, बताती। तो मैं सोच रही थी कि उसके अंदर का छिलका, मतलब छिलका पूरा रिमूव करके एक डब्बे में डाल दूँ। ये देखो ये, तो इनको मैं निकाल दूँगी, पूरे हो पाएंगे कि नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो वो करूँगी। और उसके बाद पहले चाय बना देती हूँ, शाम हो चुकी है। एक निकाल के खाया मैंने, उसका छिलका तो निकल रहा है लेकिन फुल्ली पका हुआ नहीं है, थोड़े कच्चे हैं ये, उन्होंने बताया था। तो ये सारे इनके कवर में से निकालना है। जर्नी के टाइम पे ऐसी चीज़ें खाने में मज़ा आता है, गाड़ी चल रही है एंड खोल खोल के खा रहे हैं एंड अपना वेट बढ़ा रहे हैं। इसको मैं और मेरा भाई ना बचपन में वैसे कुछ खाते थे ना तो उछाल के खाते थे, अभी होता है कि ट्राई करते हैं आफ्टर मेनी इयर्स, नहीं गया। बैंग ऑन सारे के सारे मुँह में गए, आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स आई हैव ट्राइड दिस,
फिर से सक्सेसफुल हो गया। चलो अभी चाय बनाते हैं। मेरी चाय जस्ट ख़त्म हो गई है और मैं आपको कई दिन से इसके बारे में बताने का सोच रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? एक्चुअली ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जो मेनली लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है पी करने की, जब भी कहीं जर्नी कर रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, तो आपको कब अर्जेंट हो जाएगा आपको मालूम नहीं है। एंड उसके बाद प्रॉपर जगह नहीं मिलती है कि आप पी कर पाएँ। हर जगह वॉशरूम्स तो होते नहीं है एंड आने जाने वाले लोगों के सामने बैठ नहीं सकते हैं। लेडीज़ को भी क्या है, दिक्कत होती है कि भाई बैठ के ही पी करना पड़ता है। सो ये जो गत्ता जैसा दिख रहा है आपको, ये आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगा। यू कैन जस्ट पी लाइक अ मैन। वो कैसे, मैं इसके ऊपर पिक्चर्स दिखाऊंगी। जिसमें ये आता है कुछ ऐसे बॉक्स में, ये देख रहे हैं आप। एंड वो जो गत्ता दिख रहा है आपको, यहाँ पे उसका पिक्चर बना हुआ है। थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें 20 यूनिट्स आते हैं एंड मेरे पास बचे हैं सिर्फ ये 5-6। आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसको यूज़ कैसे करना है, या मतलब आपको ऐसा नहीं कि भैया फिक्स करना है फिर निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जैसे आप ग्लास में पानी भर के पीते हैं, जितना टाइम उसमें लगता है वैसे आपको बस रखना है एंड पी करके उसको डिस्पोज कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ, तब आपको पता लगेगा। एंड आप कुछ जो है, जैसे इसमें 20 आते हैं, तो आप अपने बैग में जब भी आप जर्नी कर रहे हो, एक 5 तो रख ही लो। अगर जगह मतलब बड़ी बैग है तो जो पूरा पैक है वो ही रख सकते हो आप। तो आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, वो सब मैं दिखाती हूँ। एंड इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपके पास रहेगा तो सेफ रहेगा। देखिए, जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हो तो अपने बैग में पैड्स रखते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर आपको होने वाला है या नहीं, लेकिन फिर भी आप पैड तो कैरी करते हैं ना। तो उस हिसाब से आप इसको भी कैरी कीजिए उसके साथ में, इट विल रियली हेल्प इन योर लाइफ। तो ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं पी बडी, अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड फॉर फ्रेंडली टॉयलेट्स। तो यहाँ पे लेडीज फ्रीडम टू स्टैंड एंड पी, इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा है। एंड अभी तक इसके कितने यूनिट सोल्ड हो चुके हैं वो भी आप देख ही सकते हो। इसमें 20, ये जो पैक आता है वो 20 का रहता है। प्लस इसको यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे वो भी देख लीजिए। नो मोर वाइपिंग द टॉयलेट सीट, नो मोर बेंडिंग फॉर डूइंग स्क्वाट्स, नो मोर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नो मोर होल्डिंग इट इन। सो ये 4 जो समस्याएं होती है जनरली लेडीज़ को होती ही है कि टॉयलेट सीट को साफ करके बैठना पड़ता है, अदरवाइज स्क्वाट्स करना पड़ता है, या अगर टॉयलेट सीट्स नीट नहीं है तो इन्फेक्शन आ जाते हैं। एंड कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि टॉयलेट आ रही है, कोई जगह नहीं मिलती है, तो होल्ड करके भी रखना पड़ता है। तो इन सारी समस्याओं को ये दूर करेगा। और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी दिखाती हूँ और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। पहले ये आप देखो, पब्लिक टॉयलेट, एयरपोर्ट, फ्लाइट टॉयलेट, हाईवे, आउटडोर्स, रेलवे, मेट्रो, वुमेन विथ आर्थराइटिस, मतलब जो जिनकी हड्डियां कमज़ोर है, जो बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठने उठने में उनकी हड्डियां जो दर्द होती है, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप आराम से खड़े होकर पी कर सकते हैं। प्लस प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी बहुत दिक्कत होती है बैठ के उठने में। एंड वेस्टर्न में तो दिक्कत होती है, अगर इंडियन है तो और भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे यूज़ करना है, वो स्ट्रक्चर तो दिख रहा है आपको। सो हाउ टू यूज़, वो आप प्रोसेस भी देख लीजिए, बहुत सिंपल है। तो मैं आपको एक नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये। बस एक ये क्रिएटिव थिंकिंग है कि उन्होंने सोचा ऐसा कुछ हेल्प कर सकता है। इट्स जस्ट अ गत्ता, जैसे आपका टूथपेस्ट का जो डब्बा आता है वैसा ही है। सो ये देखिए इस हिसाब से है। सो आपको इसको वजाइना में ऐसे लगाना है एंड जब आप पी करेंगे वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो वही सेम आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो इसके शेप से आपको वैसे
इसमें ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज इसके शेप से ही समझ में आ जाएगा कि इसको आपको रखना कैसे है अपने वजाइना के पास ताकि आप पी कर पाएं। सो मैं यहाँ नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, जो ओपन पोर्शन है उसको वजाइना के पास रखना है एंड उसके बाद आपको प्लेस करना है, देन यू कैन पी। एंड उसके बाद जैसे ही पी ख़त्म हो जाता है आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका शेल्फ लाइफ, कॉस्ट, ये सब कुछ दिया हुआ है। मैंने आपको लिंक दिया है तो आपको कुछ डिस्काउंट चल रहा होगा तो उसके हिसाब से कम रेट में भी आ ही सकता है। आप एक बार यूज़ करके पक्का देखिए, दिस विल डेफिनेटली कम्फर्ट योर लाइफ। एंड अगर आप डब्बा भी फेंक देते हैं तो हर एक ये जो आपको दिया हुआ है पी करने के लिए उसके ऊपर भी सेम वही इंस्ट्रक्शन बने हुए हैं आपको यूज़ कैसे करना है। पी बड़ी जो है बहुत काम की चीज़ है, देखने के लिए एक छोटा सा घट्टा है लेकिन काम बहुत, आपकी लाइफ रिस्क करने वाली चीज़ों से भी आप बच जाते हैं। कई बार क्या होता है लेडीज़ को टॉयलेट करने की जगह नहीं मिलती है एंड वो रोक के रखते हैं, ब्लैडर कितना होल्ड कर पाएगा। सो उसकी वजह से बहुत लोगों की जो है डेथ भी हो चुकी है इन द पास्ट। अगर आप हिस्ट्री देखें, आप चेकआउट कर सकते हैं गूगल पे। थोड़ा लेवल तक जो है कॉन्ट्रैक्शन या होल्ड करना ठीक है, उससे आपका यूट्रस थोड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आप ऐसे यूरिन को होल्ड करके रखते हो तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो उन सब प्रॉब्लम को इतना छोटा सा चीज़ सॉल्व जब कर सकता है तो कोई भी खरीद के अपने बैग में रख ही सकता है। आप भी यूज़ कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी इसको स्प्रेड करके उनको बताइए कि आप रखो, ये बहुत हेल्पफुल है। आपकी मदर्स के लिए भी पक्का रखो, क्योंकि मदर्स जो है अभी एज ज़्यादा हो जाती है तो बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, वो सारी दिक्कतें हो जाती है। एक्चुअली तो ये सबके लिए यूज़फुल, जैसे मैंने बताया जिनको बीमारी है, प्रेगनेंसी, आर्थराइटिस एंड हम जैसे लोग सभी के लिए यूज़फुल है। टीनएजर से लेके बच्चे से लेके बड़े तक हर किसी के लिए यूज़फुल है ये। खरीदना पक्का बनता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक चिपका ही दीजिएगा एंड शेयर कीजिए पक्का इस वीडियो को, या कुछ और नहीं तो सही इसके लिए तो पक्का शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को घंटी बजा के। एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।